नसीब की मंगेतर का फेस है। अच्छा, रिवील करें, फेस रिवील कर दें। आप लोगों की इजाजत है तो आसिफ की मंगेतर का फेस रिवील कर देते हैं। कैसी लगी है? माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबह सुबह आप आ गई रूम देखने। हाँ जी, कल मैं देखा नहीं तो फिर मुझे और सुबह सुबह गाल याद आ गई। अच्छा, मैंने कहा सब तारीफ कर रहे थे जो रूम जो है अच्छा बन गया। हाँ हाँ, तो मैं भी देख लू मुझे कैसा लगता है। माशाल्लाह बहुत प्यारा बन गया देखे। अच्छा, अभी तो काम अधूरा है ना। हाँ, देखे माशाल्लाह, फिर दिखाना है कैसे बनता है। जी जी, माशाल्लाह बहुत प्यारा बन जाएगा। देखने से तो वही सफेद लग रहा है जैसे पहर है। पहर तो वो हल्के वाला लगा हुआ था चूना, तो ये जो है ना आपने इसको ऐसे हाथ लगाया है तो जैसे देखें ऐसे ऐसे मजबूत ऐसे लग रहा है जो बोलो कभी उतरेगा नहीं। मार्बल लग गया है। हाँ जी, ऐसे जैसे तो कांच में होता है ना ऐसे मजबूती हो गया बिल्कुल। ऐसे हाथ लगाए तो देखें। हाँ, माशाल्लाह पता नहीं मैं कितना कोट मारे है। तीन दिमाग पहले एक लगाया फिर दूसरा लगाया, जब तीसरा लगाया तो ये ऐसे हो गया। माशाल्लाह खूबसूरत बन गया। हाँ, तो आप जब हाँ वो एक गार्डर और टीयर हो गए हैं, बाकी ये वाले आज करेंगे। ये जो लगा वाला ये अभी करेंगे। हाँ, तो माशाल्लाह जब मुकम्मल होगा तो फिर दिखाएंगे वीडियो कैसे बनती है। माशाल्लाह आज इस पे पेंटिंग होगी इंशाल्लाह जी, खूबसूरत से देखेंगे कौन सी पेंटिंग करते हैं। हाँ, थोड़ा सा जो काम रहता है पहले मुकम्मल करेंगे जी, फिर वो डिजाइनिंग बनाएंगे, फिर बाहर जो फ्रंट है वो करेंगे, फ्रंट भी करेंगे, दरवाजा भी जो सब जी जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आज काम निकल जाए, क्यों नहीं, हम तो चाहते हैं जल्दी जितना हो सके हो जाए। हाँ, कल अभी तुम्हारे वो कह रहे बता रहे थे जो आज माशाल्लाह बेलेंगे खत्म करेंगे एक तो वाला, फिर मस्जिद में करेंगे। जी जी, तो इंशाल्लाह निकल जाए फिर से इंशाल्लाह। चलो और सुनो, समिया को फ्रेश कराने जा रही थी फिर सोचा। हाँ, समिया को जगाया, मैं जरा वो बैठी रहती है, मर्जी से जाती है, मैं तो उठा दूँ। हाँ, तो जरा बाद वो बात कल कॉमेंट में कर रहे थे साहब भाई भी देखने वाले जो खाम साहब ने ना सोबिया को डांटा है ऐसे, तो मैं उनके मदद करते कोई बात नहीं, बड़े हैं तो समझाते हैं, लेकिन वो अपनी जात ठीक है, लेकिन भाई भी ठीक है। मैं सोबिया उस वक्त अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, पता है क्यों? उसकी बहन के माशाल्लाह मंगनी हुई आसिफ से, उसको इस बात की खुशी थी, उसने एक जज्बे से वो बात कर दी, तो इस वक्त ना चलो अब वो खामोश हो जाते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, मैं भी खामोश हो गया था। फिर मैं उसे बताया तो बातों कर रही थी तो उनको खुशी थी, विशेषता थी वो। ऐसे मैं बताऊँ पूरी डिटेल बताती हूँ, अगर वो एक बंदे के थे छह बेटे। अच्छा, ते उन्हें ना पहले पहले बड़े बेटे का जो रिश्ता किया थे वो अपनी बहू को ले आए घर से, उससे ना उनकी सास ससुर उन्होंने कहा बेटी अब नहीं, उन्होंने पूछे जो हम पहले पहले बेटा मकसद शादी करके आए, बाकी जो पांच है वो ऐसे कुमारे खड़े आए थे, उन्होंने बोला हाँ जी, ते उन्होंने बताया आप तेरी शादी जो होगी हम घर में ले आए हैं, तो आप जरा ना वो जो पांच तेरे देवर हैं उन्हें भी शादी तय करनी है। अच्छा, वो ये बात सुन के हैरान होगी। देखे मैं आज भी आज एक ही घर एक रात ही गुजरी है, ते ये ऐसे मेरे सिर पे वजन डाल रहे हैं जो इनकी शादी तय करनी, मैं कैसे करूँ? ये बात सुनते वो हैरान होगी, उन्हें तो मुंह पे तकती रही। तो फिर ना उन्हें सोचा वो बेटी हम कोई गलत बात की है जो तुम जवाब नहीं दे रही, जो नहीं मैं सोच रही हूँ हरियाणा इस बात के हूँ जो अभी अभी तो मैं आई हूँ, तो आप जो ये बात की मैं इन बात से हरियाणा हो गई, जो मैं उनकी शादी कैसे करूँ, मेरे पास कोई खर्चा थोड़ी नहीं है तो मैं उनकी शादी करूँ। उन्होंने बोला बेटी शादी सिर्फ खर्चे की नहीं है, शादी सिर्फ इसलिए हम बताया जो अब तू जो बड़ी बहू है बेटी है, पहले पहले तू जो घर में आ गए हम उन्हें के रिश्ते ढूंढे हैं, फिर वो रिश्ते वाले आएंगे हमारे घर देखेंगे तो हमें ये सवाल करेंगे जो हमें का रिश्ता दूँ ना दूँ, सिर्फ वो अकेले में तुमसे बात करेंगे। हाँ, जो तू जो बड़ी बहू है तो तेरी शादी होगी, ये बंदे कैसे हैं, तेको खुश रखते हैं, खर्चा देते हैं या
कोई झेड़ा वगैरह करते हैं, पर कैसे भी जान के है वो हर बात वो बड़ी बहू से आ जाती है। बड़ी बहू घर में खुश हो तो बाकी समझो उन्हें जो त्योहार से उनके बच्चा से उनके शादियाँ हो जाते हैं। इसलिए ये भी शोभिया हमारी बड़ी बहू है, इसलिए फिर वो बात समझ गई हूँ क्या, पहले तो हरियाणा होगी बाद में समझ आ गई, चलो ये बात है। तो जब कोई भी इंशाल्लाह मैं भी खुश रहूंगी और जो भी रिश्ते वाले आएंगे ते घर देखने और मैं उन्हें बताऊंगी, अच्छा मैं खुद खुश होके बताऊंगी मैं खुश आई था, कोई मसले खर्चे की कोई चीज की टेंशन नहीं है, अच्छे लोग हैं अच्छे बंदे हैं तो आप तो आपके रिश्ते आ जाएंगे। तो शोभिया की ये बात थी जो अल्लाह की मेहरबानी है, शोभिया भी घर में खुश है तो इसलिए उन्हें दूसरी बेटी भी दे दी, उन्हें कोई भी सवाल नहीं किया, जो ताकि हमारी शोभिया था वहाँ खुश है, अच्छा खा पी रही है, उनकी खिदमत हो रही है, कोई टेंशन नहीं है। तो आप दूसरी बेटी जो दो बहनी भी होगी घर में तो माशाल्लाह एक दुख सुख में शामिल होगी तो वो जाना घर भी सुखा हो जाएगा। हर बहना का अपना नसीब होता है, तो नसीब देते था तो शोभिया खुश हो गया। शोभिया पहले भी बता दी थी आप जो खुश थी ना, पहले ये भी बात करते थे जो और एक रिश्ता और भी लेना है कमरान के लिए, जासिद के लिए, मुनीब के लिए, एक ना एक मैं अपनी सिस्टर ले आऊंगी। तो अल्लाह पाक ने उसकी भी सुन ली जी, तो रिश्ता जो है माशाल्लाह हो गया। ये बात होती है ऐसी होती है, चलो से बात कर रही थी तो फिर कोई बात नहीं, मदद करते हैं जी जी आपके अबू भी फिर देखने आ गए। हाँ तो कल देखा था अभी देखने आ गए हैं जी जी देखिए तो सही कैसा हुआ है माशाल्लाह। मैं तो अभी अभी देख रही थी, फरमान के साथ साथ आ गया माशाल्लाह, वीडियो भी बना रहे हैं। हाँ जी हाँ जी देखा है सब, बहुत बढ़िया हो गया। मैं जी जी आज डिजाइनिंग हो जाएगी ना माशाल्लाह, वो शीशे वाला गिलास भी पड़ा है, कूलर आज दोबारा पानी भर के फिर ठंडा रखने। हाँ जी हाँ जी तीन कोट पूरे कर गए थे ना। हाँ जी जी अच्छी नहीं लग रही तो सारी शिकायत होगी, लेकिन वो कलर जो है माशाल्लाह प्यारा हो गया देखने। हाँ वही फिर ना ये किया करने हैं और ये कार्य भी करना है, ये किया भी। हाँ ये हो जाएगी तो छात्र जैसी हो जाएगी ना, छात्र ऐसी रहेगी। बाकी पेंटिंग कोई बताया है उन्होंने किस तरह कर रहे हैं, हाथ से इधर भी करेंगे या अच्छा वो उन्होंने कुछ वीडियो दिखाई थी वो ऐसे ही एक एक कलर भी किया होता। नहीं वीडियो देखी है ऐसे बेले बनी हुई थी। हाँ हाँ वो उस्ताद बता रहे थे कि इस दीवार पे ये बेले बना देना, उस दीवार पे वो बेले बना देना। हाँ हाँ इधर ऐसा वो ऐसी बना देना, वो आज बनाएंगे। अच्छा अच्छा क्योंकि वो मुझे एक ही कलर ना अच्छा नहीं लगता था कि एक सब्ज फिर लाल, चलो बेलें जो बनेगी ना वो सही है, बेलें जो होती है उनके पत्ते लड़िया जैसे वो बूटी होती है वो सब कलर मिक्स हो तो फिर अच्छी लगेगी। जी जी सब मिक्स होंगे देखना कितने कलर में होती है, उसके फूल जैसे होते हैं जैसे जैसे उसके कलर होते हैं ना हर चीज के वही वही कलर हम इस्तेमाल होंगे जी, हर चीज इंशाल्लाह खूबसूरत बनेगी। हाँ जी कहते हैं जब हम तैयार कर रहे ना कमरा फिर आके देखना हैरान हो जाएंगे बनाया कैसे। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसा भी हो, ऐसे तो पहले बोल रहे थे इतना देखे महंगाई है इतना खर्चा होता है, लेकिन बन जाती है तो फिर पता चलता है खुद ब खुद आपको पता चलता है जो इतना मेहनत है वो देखे कल सारा दिन तीन बंदे चार बंदे फिर सारा दिन देखे यही काम किया जी जी। तो गर्मी बहुत ज्यादा थी लेकिन मेहनत होती है उनकी, उनका ही हक होता है तो जायज करते हैं तो ज्यादा तो नहीं। तो सामान देखें कितना पूरे इसका जो टोटल रंग का खर्चा वो 25,000 से 30,000 में आ रहा है एक रूम का जी। तो साफ जा रहे हैं उन्होंने अपनी मजदूरी भी तो लेनी है, इलावा ये जो खर्चा है ना रंग वगैरह ये महंगे ये महंगे हैं रंग। तो वही तो मैं बात बता रही हूँ जो बहन भाई समझे, जो अगर देखे बढ़िया बढ़िया क्वालिटी है
अब ये बाल्टियाँ नजर आ रही है, 6-7 हजार की एक बाल्टी आती है, ऐसे ऐसे बनी 5-5 हजार की एक बाल्टी है, 5.5-5 की आई है ना। हाँ जी, और तो बाकी बता रहे थे कोई 4 हजार की छोटी बाल्टी है, कोई रंग के डब्बे सारे लेने पड़ेंगे। हाँ, फिर वह बाहर से जो है ना वो अलहदा वेदर शीट कलर लेना पड़ेगा। जी जी, वो पता नहीं 3 बाल्टियाँ वो भी कह रहे थे बाहर वाली वेदर शीट की है। हाँ, तो ऐसे इतना महंगा है अंदर के कमरे की थी ना। जी जी, बाहर वाली तो और है जी। असल में बात यह है कि फरमान ने तो जवाब दे दिया था कि मैंने डर गया ऐसे जब सुना ना 30,000-40,000 का सुना तो वो पागल होने लगा। मैंने सोचा कि यार औलाद है उसकी, ख्वाहिश है उसकी, खुशी इसी में है, चलो जैसे भी हो कर देते हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक काम करेगा। मैंने कहा या तो फिर खर्चा काम करो या फिर कुछ पैसे अभी लो कुछ बात नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप पे हमें इत्माद है, ये नहीं है कि हम आप पे इत्माद नहीं करते, चलो जितने हो सके हमें दे दें, बात बाद में दे देना। जी, चलो बच्चों की ख्वाहिश पूरी हो जाए तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश पूरी हो रही है। खर्चे होते हैं जी, जो चीज खूबसूरत बने अच्छी बने तो खर्चा तो होता है, पर घबराए ना, पर जैसे हो जाए ठीक हो जाए। हाँ, एक बार हो जाएगा ऐसा ऐसा खर्चे कम कर दिया होते जाते हैं। जी जी, एक रूम बनवाया है, जब लड़के की शादी करेंगे फिर 3 रूम बनवाएंगे ऐसे माशाल्लाह खूबसूरत। असल में मैं सोबिया की खुशी देखना चाहता हूँ। जी जी, आपको पता है कि वो हर वक्त परेशान रहती है, वो बच्चे को याद कर देखे रोती है कभी कुछ कभी, मैं उसकी खुशी देखना चाहता हूँ कि वो खुश रहे। जी, जैसे भी वो कहे हम वैसे ही करते हैं ताकि कोई एतराज ना हो, कोई ऐसी बात उसके जहन में ना आए कि मेरी बात नहीं मानते। जी जी, मैं उसकी खुशी देखना चाहता हूँ, इसीलिए ना उसने उसकी ख्वाहिश थी कि मैं ये कमरा ऐसा खूबसूरत बनाऊँ। हाँ जी हाँ जी, उस कमरे में रहती थी, कहती है मुझे वो पसंद नहीं है मैं अपना बनवा दी, चलो हमारी सिस्टर ने कमरा बनवा दिया। जी जी, हमने पेंडा भी ठीक हो चुकी है, जो भी है ना कमरा माशाल्लाह बन गया तैयार। जी, अब उसकी यही ख्वाहिश है कि एक तो मैंने ये करना है कि खूबसूरत पेंट हो। जी, जैसे दूसरों के देखती है वीडियो में या जैसे भी, और खूबसूरत कलर हुए वो पेंट हो, और इसमें फिर बैग सोफे ये पड़ा हो, खूबसूरती हो, इस तरह इंशाल्लाह ये कलर तो कर लेते हैं उसकी ख्वाहिश अल्लाह पाक पूरी करेगा इंशाल्लाह। सोफा वगैरह है वो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अल्लाह पाक रंग करेगा। जी जी, कहते हैं तब तक मैंने इधर शिफ्ट नहीं होना जब तक मेरा सही बात है इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरी ख्वाहिश पूरी करेगा। आमीन आमीन। हाँ, रात को आई हमने तो खुशी से आके हमने कहा देखूँ, अब तो मिस्त्री नहीं है, उसे ले आया था, ऐसे देखा तो देखते रही मैं उसको बता रहा था इधर उधर, मैंने कहा देखो वो रंग हो गए ऐसे, फिर देखा तो रो रही थी। रोने लगे ऐसे अपने आप ही रोने लगे, बस बाद में सुना तो बाद में मैं फिर वीडियो लगाई तो फिर मैं समझाया, बात वही की कि साके बोता था ना तो और नहीं कमी होती थी अपने बेबी की। अल्लाह की मर्जी, आप देखें और हमारे सिस्टर की बहू थी, मैं हमारी भी बहू होगी, देखें अल्लाह पाक ने उसे खुशी दे के फिर उसे आपको दुख दे दिया। हाँ, इतना देखें उनका ऑपरेशन हुआ, दिल की मरीज होगी तो खुशी बर्दाश्त नहीं होगी, तो अल्लाह पाक की मर्जी है खुशी दे के फिर भी दुख दे जाते हैं, दुख सुख जो है हर इंसान के साथ है। जी, जो अगर अल्लाह पाक ने हमारा बेटा लिया है हमारा पोता, तो अल्लाह देगा इंशाल्लाह खुशी वापस करेगा। जी जी, तो आपको देखें सोबिया की वैसे जो बच्चे की पेट में डेट हो जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है, ऑपरेशन के बगैर कुछ भी नहीं होता। अगर देखें अल्लाह पाक ने इसे सही सलामत बचा दिया, केस भी नाम बड़ा हो गया, कोई मसला मसाइल कोई नहीं बना, तो अल्लाह पाक ने बच्चा छीन लिया तो अल्लाह की मर्जी है। हाँ हाँ, अल्लाह पाक करम करेगा, उसे समझाया करें, रोने तो नहीं। मैं तो बार बार जाती देखती हूँ, परेशान होती है, सोच रही होती है, फिर मुझे पता चल जाता है जो ज्यादा और बात नहीं सोचती, सिर्फ जकदम बच्चे के बारे में सोचते, जब भी अकेली होती है ऐसे, फिर मैं बार बार समझाती हूँ, वीडियो में समझाती हूँ, ऐसे भी समझाती हूँ, तो अल्लाह पाक में जल्द दाद को खुशी देगा, ऐसे ना किया करें। अच्छा, बेबी दे जी जी,
लंबी जिंदगी वाला दे। दुआ करें, बहन भाई भी दुआ करते हैं हर बार, हम भी दुआ करते हैं, माँ बाप की दुआएं जो है वो अल्लाह पाक जरूर सुनते हैं इंशाल्लाह, जरूर वही खुशियां अल्लाह पाक दोबारा देगा। वो साकिब होता था ना घर में, वो उसके साथ हंसती खेलती, इधर से गुजरती साकिब, इधर से गुजरती साकिब, वो फिर वो बात होती है। अब इधर आई होगी, सोचा हो ऐसे जहन में सोचा होगा कि साकिब आएगा इधर फर्स्ट पे खेलेगा, फिर उधर वो बच्चे वाली बात याद में आ गई। बच्चा होता था वो भी साकिब जैसा होता, भाग रहा होता, ये वो जी, बात जहन में आ जाती है, आखिर माँ माँ होती है जी जी। उसे ज़्यादा परेशान ना किया करें, खुश खुश रखा करें, इसीलिए तो मैं उसी की खुशी के लिए ये कर रहा हूँ कि वो खुश रहे। हाँ, तो कोई बात नहीं, कोई चीज खाने की होती है, कोई से उधर दिल करता है, भावे जो आधी रात को बोलती है, फिर रोज टाइम ही मंगा लेते हैं जी। तो कहीं पास है उसे माशाल्लाह, खुशी उसके लिए तो ये है कि आप माँ बाप जैसा प्यार करने वाले हैं जी। अक्सर देखें सास ससुर भी ऐसे होते हैं जो जो वो खुद गुस्सा करते हैं तो फिर बहुएं भी वैसी बन जाती हैं, ऐसे हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह औलाद की तरह है, हमारी औलाद है, हमारी बेटियां हैं, हम कभी किसी से कोई फर्क नहीं करते जी। हालांकि हम अपने बेटों से, बेटियों से ज्यादा उनकी केयर करते हैं जी जी। हमारी बेटियां हैं वो तो चलो माँ बाप हैं, हम उनको समझा लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, वो बेटियां भी हैं, एक किस्म की बहू भी हैं, उनके जहन में ये ना है कि वो हम बहू वाला सलूक है जी जी, इसीलिए हम उनकी ज्यादा केयर करते हैं। सही बात, खुश रहे हाँ जी, इंशाल्लाह ऐसे खुशियां रहेंगी। चलो समीया को देखो जी, उधर ही बैठी होगी जब बिठा के जी जी। माशाल्लाह अम्मी जान अभी जो है ना ये देखें गंदम के दाने ले आई हैं, किसको खिलाने के लिए मैं आपको बता दूं, ये देखें ये गंदम के दाने, और वो खड़ा है हमारा काला काला बकरा जिसने आज के माशाल्लाह ये समझो घंटे दो घंटे का मेहमान है। हाँ जी, मैं घास भी डाल दिया और पानी भी पिला दिया जी जी, कल जो है पानी से नहीं पिया। अच्छा अच्छा, सुबह सुबह ना बाल्टी लेके दूर निकालने जा रही थी तो देख के मिटता है। हाँ हाँ, तो मैंने पानी रख दिया तो माशाल्लाह पानी भी रख के पी लिया उन्हें जी जी, दाने खिलाती हूँ तो फिर जब उसका टाइम आएगा तो फिर इसलिए हम खिदमत करते हैं, एक दो दिन खड़ा करते हैं कि जाते जाते दुआ दे जाएं कि देखें ये जो ना अच्छी खिदमत कर रही थी जी, हमारे घर से जो भी बलाएं टल जाएं जी, आ जाएं रखें इनको माशाल्लाह, ये सदका करना है आज, तकरीबन दो ढाई घंटे बाद इसको ज़िबा करना है। अम्मी ने कहा कि पहला टाइम ही इसको ज़िबा कर दो, शाम के टाइम लेट हो जाते हैं, शाम के टाइम जी, शाम को टाइम नहीं होता, दोपहर को बनाएंगे 12-1 बजे जी जी, सुकून से आप किसी के घर ही पहुंचा देंगे, आपने भी खाना टाइम से बन जाए जी जी, तो बनाने में आपका टाइम लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम भी कुछ लग जाता है, फिर उस दिन जैसे दिया था ना तो हर किसी ने घर में हांडियां पका ली थी, मगरब होने वाली थी, तो आज जल्दी देंगे तो उनको पता होगा ना कि इंशाल्लाह। चलें जी माशाल्लाह ये खा रहा है अभी माशाल्लाह, सिर्फ चाय के साथ नाश्ता कर रहे हैं। हाँ सालन नहीं था क्या? पता नहीं, आप तो कुत्ते ही चाय के साथ हो, सालन को पूछते ही नहीं होंगे। हाँ चलो भाई रोटी गरम गरम उठाओ, इधर से बिल्ले को गरम गरम रोटी उठाओ, चाय का प्याला पकड़ो और खाओ और बिल्ले चलो को डाल दो थोड़ी सी रोटी, हम उन्हीं कमरान ने डाली है, फिर भी और डाल दो ना ताकि वो भी खा लेगा। हाँ उसका भी पेट भर जाएगा। और बाकी जो है ना सोबिया पका रही है सुबह का नाश्ता, ये देखें आखिरी दो पेड़ रह गए हैं, दो रोटियां रह गई हैं। हाँ जी ये दो रोटियां पका के तो वो दूध ले आई हूँ, वो चाय अच्छा। गरम करके अब्बू को दूंगी फिर। हाँ। जो है ना दूध ले अब, आई हूँ तो दूध बढ़ूंगी। आप पता ही क्या करो, इन्हीं दो रोटियों को घी लगाओ और मुझे चाय दो, बल्कि मैंने अभी वो दवा भी नहीं खाया निहारमो वाला, मैंने रोटियां से घी लगा लिया, मैंने वो निहारमो वाला दवा नहीं खाया, अभी खाना है, पहले दवाई खाए बाद में रोटी खाऊंगी, मैंने कैसे खा ली है नहीं वो पता है क्या, दवाई के आधे घंटे बाद रोटी खानी पड़ती है, आप अभी दवाई खा के आएंगे फिर रोटी मैं नहीं दूंगी आपको रोटी, नहीं अभी आधे घंटे बाद खाऊंगा ना, पहले जहन में नहीं था ना कि मैंने दवाई खाई हुई है या नहीं। हाँ जी मैंने कहा शायद खा लिए, कह रहे हो कि इस रोटी को घी लगा दो, मैंने रोटी खानी है, टाइम नहीं मिला ना, अभी टाइम मिलेगा तो खा लूंगा। हाँ चलो खा ले टाइम से, मैं जाना ये रोटी पका लूं।
जी 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 इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस बन गया आखिरी पेड़ा। जैसा कि मैंने बताया था कि अभी सुबह सुबह निहारमो वाली दवाई जो है ना वो खा रहा हूँ। ये तो चेक करें, ये जो है ना मैंने निहार में खानी होती है दर्दों के लिए। दो चने बराबर सुबह निहारमो हमरा एक कप दूध इस्तेमाल करें, तो एक कप दूध के साथ ये वाली जो है ना पक्की बनी हुई है। कुछ ज़्यादा कड़वी तो नहीं है लेकिन है सही, ये नहीं है कि बिल्कुल फीकी हो। मुँह में जब डालता हूँ तो कड़वी लगती है लेकिन हद से ज़्यादा नहीं, ये वाली पक्की है। देखें दो चने बराबर इसको खाता हूँ। और है जो ना वो भी ऐसे है, वो रात को सोने से 15 मिनट पहले खानी होती है। और देखें रिजवाना दूध ले आई है, ले आई हो? नहीं काफ़ी है, आधा गिलास मतलब एक कप हो जाएगा ना। हाँ काफ़ी है मेरे ख्याल में, ये खा लूँगा। हाँ इस्तिहाना भी आ चुकी है, ये देखें इस्तिहाना उठ गई हो। आज तो बड़ी जल्दी उठ गई है, मिस्त्री हसन इस वजह से उठ गई हो। अच्छा वैसे वैसे आप 12 बजे उठती हो, चलो चलो शुक्र है आज के ख्याल तो आया मिस्त्री आएंगे। माशाल्लाह जी पेंट करने वाले आ चुके हैं, जो कि कल काम अधूरा छोड़ के गए थे वही बंदे अभी अभी आए हैं और उनको पानी वगैरह पिलाया है ठंडा ठार, और फिर जो है ना वो अपने काम पे लग गए हैं। दो बंदे जो है ना इनका उस्ताद और एक लड़का चले गए हैं रंग का सामान लेने, क्योंकि कुछ ले आए थे कुछ लेना बाकी था तो अभी लेने गए हैं, क्योंकि अबू ने उनको सारा कुछ समझाया कैसे करना है, ये बैर फ्रंट कैसे करना है, कैसे माशाल्लाह पेंटिंग करनी है और रूम के अंदर कैसे करना है सारा कुछ। फिर वो चले गए, अब उसे पैसे भी ले गए, तो वो जो है ना बाकी के काम टीयर गार्डर वाला जो है ना वो अधूरा छोड़ गए थे, वो अभी पूरा कर रहे हैं। अंदर मैं आपके चल के दिखाता हूँ कि माशाल्लाह कैसा जो है ना काम चल रहा है हमारा। जैसे जैसे आज पेंटिंग होगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और उनकी ये भी रिक्वेस्ट होती है कि अगर पाकिस्तान से कोई मैं देखता है पेंटिंग कराना चाहता होता है तो हमसे रब्ता कर सकता है। ये देखें जी माशाल्लाह आज जो है ना इस तरफ ये सेंटर वाला जो है ना ऐसा भी कर दिया गया है कलर, और वो साइड तो काली कर गया थे सेंटर वाला, आज की आप भी ये साइड भी करने वाले हैं, तो उधर से शुरू कर रहे हैं माशाल्लाह पेंटिंग करना। ये क्यों बंद हो गया? पता नहीं, देखते हैं। अच्छा ये नक्शा बनाया हुआ है, ये देखें जी ये पेंसिल के साथ नक्शा बना के। ओ माशाल्लाह अम्मी आ चुकी हैं घास करके, वाह जी वाह क्या बात है, आज तो जल्दी आ गई, लेट आ गई जल्दी आ गई, आज लेट आई 11 बजे, आज लेट आई है 11 से ऊपर हो गया टाइम, हमें नहीं पता चलता। अच्छा जी जी उसके साथ वो अच्छा ऊपर बैठ गई। जी जी काम का बोलती है नहीं एक बंदा होगा अच्छा खड़ा के कोई काम हो कोई काम हो जब भी ऐसा उन्हें बातचीत करें। हाँ हाँ वो वैसे अन्य मैं लोगों दूर से होती हूँ तो पहले आवाज लगा देते हैं और बैठो पानी पियो दस तो लगता नहीं ऐसे मर्दी अंदर में चाहिए वो शुरू हो जाते शुरू हो जाते। अच्छा भाई गली में हो अंदर मन में के काम हो रहा है मैं इधर खाना छाना बना रहा तोर के आ गई नहीं ऐसे चलो छुटकारा पा लिया चलो आवाज वाले वाली पंखा चल रहा है। तो आज आप बहन भाई को क्या दिखाना चाहते हैं, कोई है सरप्राइज? सरप्राइज आज भी सरप्राइज बहन भाइयों के लिए है कि बहन भाई जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं जी जी वो आप ओपन करें। अच्छा जो नसीब की मंगेतर का फेस है अच्छा रिवील करें
फेस रिवील कर दें, फेस दिखा दें। अच्छा साहब अभी से देख लेंगे तो हम कुछ छुपाते नहीं है। अच्छा जैसे कामरान की मुंगेतर का नहीं छुपाया, जी जी हसीब के भी नहीं छुपाते, सबको पता चल जाए। हाँ हाँ बहन भाई देखने वाले इंतजार में है कि पता नहीं कैसी होगी हसीब की मुंगेतर, जी जी कैसी है दिखा देंगे तो फिर वो सब कुछ देख रहे। चलो आप लोगों की इजाजत है तो आसिफ की मंगेतर का फेस रिवील कर देते हैं। फिलहाल है तो हमारे पास तस्वीर क्योंकि वो इधर रियल में तो नहीं तस्वीर है या कुछ है, साफ साफ कर देते तस्वीर साफ है माशाल्लाह। मैं अभी जो है ना बस ये बहन बहन को दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखें जी, ये है जी हसीब की मंगेतर, आप इसका फेस रिवील कर सकते हैं। कैसी लगी है आपने ज़रूर बताना है। सोबिया की शक्लें लगती है ये तो बहन भाई देख के बताएंगे ना। हाँ जी आप ऐसे बता रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं, फिर बहन भाई भी कहेंगे हाँ सोबिया। जब ना सादिया को देखा तो मैंने पहचान लिया। हाँ हाँ मैंने कहा लगता सोबिया की सिस्टर है। जी जी अब ये पहचानेंगे जो सोबिया की सिस्टर है जी। आप झूठ बोल रहे हो सोबिया की सिस्टर ना हो फिर नहीं साफ देखें पता चल रहा है देखो माशाल्लाह। हाँ जी अल्लाह पाक लंबी जिंदगी करे, सेहत दे, आमीन। बहन भाई की सब दुआ करेंगे अल्लाह पाक खैरियत से ये रिश्ते कामयाब करे। जी जी अल्लाह पाक खैरियत से इनकी शादियां कराए, आमीन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।